नमस्कार। मुंबई एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं हमारा विधानसभा चुनावों के ऊपर स्पेशल कार्यक्रम महाराष्ट्र का महासंग्राम। आज हमारे बीच मालाड पूर्व के विधायक श्रीमान राजन सिंह साहब हैं। सिंह साहब, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सिंह साहब, एक बार फिर से इलेक्शन आ गया, तैयारियाँ जोर शोर में की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनका ये बोलना है कि पूरे 5 साल तो दिखाई नहीं दिए लेकिन इलेक्शन के वक्त भी नज़र नहीं आ रहे, क्या सच्चाई है इसमें? ऐसा है कि विरोधियों का काम होता है इस प्रकार का बोलना। मैं 5 साल यहाँ पर रहकर और 5 साल यहाँ की जनता की सेवा किया हूँ और इसका रिजल्ट जब चुनाव होगा उसका रिजल्ट सामने आएगा और सबकी दूध का दूध और पानी का पानी। विरोधी नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी जनता बोल रही है जिन्होंने आपको वोट दिया है। उन्हीं की ये शिकायत है कि राजन सिंह साहब इलेक्शन के बाद में 5 साल तो दिखाई नहीं दिए लेकिन अब इलेक्शन दोबारा आ गया तो भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो कोई आके नहीं बोला, मैं तो यहीं बैठा हूँ। हमने एक सर्वे किया, हमने लोगों से मैं मिल रहा हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि 5 साल तक जो जनता के बीच में रहा उसमें का एक मैं विधायक हूँ और मैंने जो काम किया है उसमें जो यहाँ का अभी एक सर्वे आया था, कौन सा फाउंडेशन उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने उस सर्वे देखा है, उस किताब को देखा, उसमें योगेश सागर जो बीजेपी के विधायक वो एक नंबर पे और जो 10 लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम विधानसभा का परफॉर्मेंस से लेके जनता के बीच में जाकर लोगों के प्रजा फाउंडेशन के लोगों में जो किया है उसमें 10 जो थे टॉप के उसमें मेरा नाम था। अब मुझे पता नहीं कि आपकी तरफ से क्या सर्वे हुआ उसके बारे में, मैं आपके सर्वे के बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं जनता के बीच में रहकर 5 साल तक जनता की सेवा। चलिए, आप सेवा करने का दावा कर रहे हैं, आपने इन 5 सालों में क्या क्या किया, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं आपकी कि दोबारा आपको जनता चुन करके 5 साल का मौका दे? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा हमारा क्षेत्र जो है डिंडोसी, सिर्फ डिंडोसी का एक भाग जो गोरेगांव का थोड़ा सा संतोष नगर का पार्ट नागरिक निवारा से लेकर रहजा, इस यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग है और पूरा का पूरा क्षेत्र स्लम है। यहाँ पर 20 साल तक शिवसेना के विधायक थे लगातार और बुनियादी सुविधा ही यहाँ पर नहीं थी, जैसे कि पानी, जैसे कि टॉयलेट की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, लोगों के गलियों से गटर बह रहे, नाले की व्यवस्था, जो बुनियादी सुविधा होती है वही नहीं थी। पूरे 5 साल तक उनको बुनियादी सुविधा देने में ही पूरा समय गया। एक उपलब्धि, मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ मेरा कर्तव्य। ये मेरा कर्तव्य था क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे चुन कर दिया था और मेरा कर्तव्य बनता था कि उनकी मैं जो उनका दुख सुख है उसमें मैं सहभागी बनूँ, वो मैंने करने काम किया। और कोई मैंने अपने जेब से अपने पैसे से काम किया ये नहीं मानता। तो ये कर्तव्य आपने कहाँ कहाँ पे? मैं उपलब्धि थोड़ा आपको बता दूँ फिर उसके बाद आपके और सवालों का जवाब देता हूँ। मैंने बार बार अपने भाषण में भी कहा कि जनता चुन कर देती है नगर सेवक, विधायक, सांसद, वो टैक्स पेयर का पैसा होता है, जनता का ही टैक्स का पैसा होता है, उसके लिए हमें ट्रस्टी चुन कर दी और उस पैसे को लाकर हम कलेक्टर से लाकर माड़ा से हम काम करा के जनता की सेवा करते हो, कोई मेहरबानी नहीं करते हो, कर्तव्य का पालन किया। अब मैं उपलब्धि मेरे लिए सबसे बड़ी ये है कि यहाँ का जो एक स्तंभ था तालाब, जो शांताराम तालाब के नाम से जाना जाता था, एक बुआ सालवी मैदान था जो कि ऐसे ही पड़ा था, उसे बनाने का काम किया। आज वहाँ पर हजारों लोग बुआ सालवी मैदान पर घूम रहे हैं और जॉगिंग कर रहे हैं और टहल रहे, बच्चे खेल रहे हैं। शांताराम तालाब को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देकर उस तालाब को जो 25 साल से बस बैठा हुआ था और वो बिल्डर के हाथ में चले जाता, उसको यहाँ की जनता के लिए बनाकर उस जनता को सौंपने का काम किया। मैं समझता हूँ कि मेरा एक सपना था, बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए इस जनता को उनका तालाब उन तक सौंपना और वहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बनाना, बच्चों को खेलने के लिए बना देना और फाउंटेन बनाना, और 1200 के ऊपर आज तक वहाँ पर गणपति का विसर्जन हुआ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मराठी भाषी लोग रहते हैं। कुरान आपके लिए ये उपलब्धि है कि आपने तालाब को ढक करके वहाँ पर फाउंटेन बना दिया, लोगों के जॉगिंग करने के लिए आपने गार्डन बना दिया। आपको ये लगता नहीं कि आप ही के क्षेत्र में अप्पा पाड़ा, जहाँ आज भी लोग पानी के लिए मर रहे हैं, जिनके यहाँ पर वाटर माफिया सक्रिय हैं, लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं वहाँ पर, आपको लगता नहीं कि उपलब्धि ये होनी चाहिए थी कि उनको पानी आप सप्लाई करवाते? पहले आपकी जानकारी के लिए, ये काम मुंबई महानगर पालिका का है, ये काम वहाँ पर शिवसेना का नगर सेवक है, उनको करना चाहिए। उसके बावजूद
जब जब मेरे संज्ञान में लाया गया यहाँ पर मैंने चार दफ्तर बनाया, पापाड़ा में भी एक मेरा दफ्तर जनसंपर्क कार्यालय यहाँ है पठानवाड़ी, जब जब मेरे संज्ञान कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा कहने का मतलब ये है कि समस्याओं का समाधान कितना हुआ है। प्रश्न का पहले पूरा उत्तर ले लीजिए फिर प्रश्न करिए, फिर मैं बराबर उत्तर दे सकूंगा आपको, माफी चाहूंगा मैं। प्लीज कंटिन्यू। जब जब मेरे संज्ञान में अप्पा पाड़ा नहीं, जहां भी के लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जब जब मेरे पास आए और मेरे संज्ञान में लाया गया, उनके पानी का प्रेशर बढ़ाना और तमाम तरह की उनकी मदद करने का काम किया। एक और आपके लिए जानकारी के लिए बात बताता हूँ, यहाँ पर शिवसेना के नगर सेवक उनका हर चुनाव में इसी प्रकार का एक काम होता है, पहले प्रेशर कम करवाते हैं और जब लोग उनके पास जाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने का काम करके ये बताना कि ये पानी हमने लाया, इस प्रकार का यहाँ काम चलता है। वाटर माफिया मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया कि वाटर माफिया भी यहाँ पर है। इतना जरूर पता है कि कुछ शिवसेना के लोगों ने ऊंचे स्थान के लिए जहाँ पर हिल पड़ता है, चाहे गणेश टेकड़ी चाहे अप्पापाड़ा के ऊपर की टेकड़ी पे या संतोष नगर की टेकड़ी पे पंप लगाकर महानगर पालिका का एक पानी वहां पर देकर। मैं आपकी बात को काटूंगा, एक सेकंड माफी चाहता हूं, लेकिन मैं काटूंगा। आप जो कह रहे हैं कि आपके नॉलेज में नहीं है, हम लोगों ने बकायदा सर्वे किया और स्टिंग ऑपरेशन किया। उस स्टिंग ऑपरेशन में हमने ऐसे वाटर माफियाज को हमारे कैमरे में कैद किया है जो 200 रुपए लेकर के लोगों को पानी देने का काम कर रहे हैं। आपने मेरी बात को काट दिया, पूरी बात ही नहीं, वही मैं कहने जा रहा था कि शिवसेना के लोग जो पंप लगाकर, यहीं पे आपने मुझे काट दिया, पंप लगाकर ऊपर पानी भेजते हैं और महीने का 200 रुपया सब जगह से लेते हैं, वो यही अप्पापाड़ा में नहीं, यहाँ शिव टेकड़ी पे भी। इसीलिए मैंने 2 फुट का पाइपलाइन, आज क्रांति नगर से वो पाइपलाइन कुरार तक आ चुकी है, 3 साल उसमें मेहनत किया मैंने वो 2 फुट के पाइपलाइन लाने के लिए, जो कि ये बन गया होता, कब का बन गया होता, ये वन खाते की जमीन अप्पापाड़ा से आती है, उसके वजह से 3 साल तक हमें वन खाते से फाइल बाबुओं के पास टकराते टकराते, बाद में उसको क्रांति नगर रिजर्वायर में चेंज किया। और मेरे अहवाल में जो मैंने आपको अहवाल दिया है उसके अंदर है, वहाँ पर बुआ साड़ी मैदान जो मैंने बनाया है वहाँ पर एक 12 से 13 लाख लीटर पानी जमा होगा। मुंबई महानगर पालिका से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो मैं विरोधी पक्ष नेता था, और वो पंप होकर लोगों तक जाएगा ऊपर अप्पापाड़ा और क्रांति नगर, और यहाँ पर गणेश मैदान है इस विभाग में, वहाँ पर 10 लाख लीटर का एक पानी का टैंक बनेगा और जो पंप होकर वो जाएगा, और मीटर से जो भी पैसा होता है वो मीटर से सारा पैसा जनता भरेगी, न कि ये जो शिवसेना के जो दादा टाइप लोग हैं जिनको वाटर माफिया कहा जा सकता है, कह सकता, मैं भी कहता हूँ वाटर माफिया ही, जो यहाँ पर उनको पंप से पानी देकर 200 रुपये ले रहे हैं। ये बात आपकी एकदम सत्य है, वही मैं कहने जा रहा था जब आपने मुझे रोका है, इसलिए हम वहाँ से पाइपलाइन ला रहे हैं कुरार अप्पापाड़ा क्रांति नगर और गणेश टेकड़ी जो हिल भाग है वहाँ पर पंप होकर पानी महानगर पालिका। इस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाया जब आप जानते हैं कि 200 रुपए लेकर के पानी बेचा जा रहा है? नहीं नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई बार बार, क्योंकि ऑफिशियली इस पर कार्रवाई कर सकते हैं ना, आपके पास में पुलिस स्टेशन है, आप यहाँ के एमएलए हैं, आपको। जरा आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से, कार्रवाई पुलिस स्टेशन से की जा सकती है, कई जगहों से की जा सकती है, सुनिए ना, कार्रवाई जैसा उसमें कुछ बसता नहीं। होता यह है मुंबई महानगर पालिका का पानी आ रहा है, वो एक टैंक में जमा कर रहे हैं, मीटर वो भर रहे, वो पानी ऊपर भेज रहे हैं और 200 रुपया लोगों से वो ले रहे हैं, और 200 रुपया लोग उनको खुशी से दे रहे हैं, वो खुशी से दे रहे हैं। वहां की जनता से आप जाइए और पूछिए आप खुशी से दे रहे हो कि किस लिए दे रहे हो, क्योंकि अगर ये पानी यहीं पर रोक दिया गया तो ऊपर पानी उनको पहुंचता नहीं, उसके लिए विकल्प तलाशना जरूरी था। ये जो मैं 2 फुट का पाइपलाइन ला रहा हूँ जो डायरेक्ट ये टैंकर बनेगा और उसी प्रकार से टैंक बनेगा और पानी ऊपर जाएगा, तब उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके रोकने का काम मैं करूंगा। लेकिन तो आज इतने जाएगा अभी? ये सिर्फ 5-6 महीने का काम है, यानी इलेक्शन के बाद ही होगा? इलेक्शन के बाद होगा, इलेक्शन पहले नहीं, और उसके अंदर अहवाल के अंदर क्लियर कट है। इलेक्शन के पहले नहीं होने के पीछे क्या वजह थी? नहीं, मैंने बताया ना कि ये 3-3.5 साल से 18 करोड़ रुपया मैं मुंबई महानगर पालिका में एमएलए बनने के बाद भी विरोधी पक्ष नेता था, तो मैंने 18 करोड़ रुपया मुंबई महानगर पालिका से ये पास करके लिया और ये पाइपलाइन यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि इन लोगों की तकलीफ देखने के बाद कि किस प्रकार से यहाँ पर शिवसेना के लोग 200 रुपये लोगों से ले रहे हैं। लेकिन वन खाते का जो अप्पापाड़ा का पोर्शन है वो वन विभाग का है, और हाई कोर्ट में ये है कि इनको न पानी दिया जाए, न वन खाते की जमीन से केबल लिया जाए, न कि वहाँ पर कोई सुविधा दी जाए, वन खाते में जो लोग बैठे हैं उनको उठाकर आप
शासन को कहा गया कि शिफ्ट करिए। वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हम हाईकोर्ट में भी महानगर पालिका की तरफ से मूव करवाए, हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर नहीं दिया। तो इसको हमें चेंज करके क्रांति नगर का रिजर्वायर जो है वहाँ से ये पाइपलाइन लेना पड़ा। इसकी वजह से ये देरी हुई है, लेकिन ये 4-5-6 महीने में काम पूरा होगा। आगे कौन विधायक होगा कौन जाने, जिसकी किस्मत होगी वो होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि यहाँ की जनता के लिए करना था, वो काम मैंने किया है। सिंह साहब, आप जिस वक्त आप विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे थे, आप जीत गए थे, कितने मतों से आप जीते थे? मैं 6,500 मतों से जीता। 6,500 और कुल कितने आए थे आपको, कुल मत कितने थे आपके? 46,500। यानी ये मान के चल सकते हैं कि 46,500 लोग आपके साथ उस वक्त थे। फिर आपके जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने लोगों की काफ़ी सेवा की, तो वो जो संख्या है वो और भी बढ़ गई होगी। निश्चित तौर से बढ़नी चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि एक इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, उनको लेकर के इस तरह के आंदोलन में आप उतर सकते थे? ये वाटर माफिया, लैंड माफिया जो चल रहा है, जो देखिए ऐसा है, आप समझ नहीं पा रहे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्टिंग करवाइए और स्टिंग करवाइए जरा उस क्षेत्र में जाके, अप्पाबाड़ा से लेकर और ऊपर तक इस शिव टेकरी पे भी, तब आपको ये पता लगेगा कि आंदोलन किया जा सकता है। उसका जब तक उसे रोक, जिस चीज़ को जो सुविधा उनको मिल रही है उस सुविधा को रोकने के लिए विकल्प आपको रखना पड़ेगा उनके सामने। नहीं तो वही जो लोग आपके सपोर्टर हैं वो नाराज हो जाएंगे कि हमारा पानी बंद कराने ये निकला हुआ आदमी, यहाँ पर एक पार्टी लगी। तो जब तक मैंने उसको विकल्प लिया और वो काम चालू है, और मैं मुझे आत्मविश्वास है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, फिर आपको चुनाव के बाद भी इंटरव्यू दूंगा, मैं इस क्षेत्र से मैं चुनाव निश्चित तौर से जीतूंगा। और पाइप जो ये आ जाएगा, ये पहुंचाने के बाद उन वाटर माफियों की किस प्रकार से खबरदारी लेनी चाहिए, वो पूरी खबरदारी ली। सिंह साहब, हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप 46,500 नहीं, 1,46,000 वोटों से जीते और लोगों की सेवा करें। जिस भावना से आप बातों को कर रहे हैं और जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको आप मतलब इम्प्लीमेंट करते हुए लोगों की सेवा करें। लेकिन इसमें एक प्रश्न और भी ये है कि जिस तरह से हाल फिलहाल में लोकसभा इलेक्शन में 6 के 6 सांसद जो हैं मुंबई से एकदम साफ हो गए, कोई भी नहीं रहा, यानी आपके ऊपर अब अपने पार्टी के सांसद का हाथ नहीं है, ठीक है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए कि विधानसभा इलेक्शन में आप चुन के आ पाएंगे? देखिए, मेरा नाम राजन सिंह है, पूरी ज़िंदगी में चुनौतियों से ही लड़ता रहा, और मैं कांग्रेस में 78 से हूँ। ये हार और जीत जिंदगी में दो ही चीज़ है, लड़ोगे तो हारोगे या जीतोगे, उसकी परवाह नहीं करके हम रुकने वाले लोग नहीं। लोगों की सेवा करने का संकल्प लिए, लोगों के बीच में, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक बयार सी आई, एक हवा सा आया, एक झोंका सा आया, सैलाब की तरह बहा ले गया, लेकिन अब वो सैलाब थम चुका है। फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो गए। आपने देखा होगा कि मोदी लहर उत्तराखंड में 1 महीने के बाद ही गायब हो गई। अब आपने बिहार में देखा, कर्नाटक में देखा, पंजाब में देखा, महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि हमारे ऊपर सांसद का हाथ नहीं है, लेकिन जनता के ऊपर कांग्रेस के विधायकों का ही हाथ रहेगा। तो ये मान के चले कि जो आगामी विधानसभा इलेक्शन है इसमें दोबारा मतलब महाराष्ट्र में जो सरकार आएगी वो कांग्रेस की ही आएगी, निश्चित, अघाड़ी सरकार। अच्छा, ये जो कांग्रेस एनसीपी का जो विवाद चल रहा है आपस में, ऐसा लगता है कि ये गठबंधन जो है वो कंटिन्यू रहेगा आगे? ऐसा है, ये विवाद नहीं है, हर आदमी को, हर पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ाने की अपेक्षा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीट लड़ाना चाहते हैं। वो हमारे एलआई पार्टनर है, वो हमारे एलआई 15 साल से हम साथ में हैं, आगे भी हम साथ में रहेंगे। बड़े नेताओं की बात है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, बहुत जल्दी ही आपके सामने सीट शेयरिंग हो जाएगी और हम चुनाव में सबके साथ उतरेंगे। लेकिन आप ही के क्षेत्र के सांसद जो हैं, आप ही के पार्टी के जो सांसद हैं, निरुपम साहब का बोलना है कि अगर मोदी अगर कांग्रेस में होते तो मोदी भी हार जाते, तो ये क्या साबित करता है? ये निरुपम जी की राय है, वो हर व्यक्ति अपनी अपनी राय देने में समर्थ होता है, वो अपनी राय दे रहे हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह। लेकिन पार्टी से तो अभी भी जुड़े हुए हैं वो, मतलब उनके मतलब वो पार्टी को लेकर के बोल रहे हैं ना, पार्टी कि अगर में जुड़े हुए नहीं, मोदी साहब भी अगर पार्टी के ऑल इंडिया के वो सेक्रेटरी है। हाँ, लेकिन वो भी अगर वो उनकी अपनी राय है, उनकी राय में मैं क्या कह सकता हूं। मतलब पार्टी का स्तर इतना गिर चुका है कि मतलब अगर मोदी भी कांग्रेस में होते तो मोदी भी हार जाते,
देखिए मैं अस्तर की बात नहीं है तो मतलब उनका मतलब तो यही हुआ ना, उनका मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा मतलब आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं, मैं पार्टी को लेकर के बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी, क्योंकि मैंने आपसे प्रश्न किया था कि बीजेपी की मोदी की लहर, फिर आपने कहा कि लहर खत्म हो गई है, पार्टी का कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तर गिरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद कराने वाली पार्टी है, ये महात्मा गांधी अब्दुल कलाम आजाद की पार्टी है, और ये गिरना उठना, गिर के फिर संभल कर उठना, ये तो होता ही है लाइफ में, उसकी परवाह हम जो सच्चे कांग्रेसी कभी नहीं करते। जिनको जो बोलना होता है वो स्वतंत्र है, वो बोले, उनकी राय में हम अपनी राय प्रकट नहीं करना चाहते। यानी ये मान के चलते हैं कि मतलब उन्होंने जो कहा उनका वो व्यक्तिगत उनकी राय थी जी, उसमें उनकी राय है ना वो तो। चलिए अब आगे की बात करते हैं, जिस तरह से अब विधानसभा इलेक्शन एकदम नज़दीक ही है, आप आने वाले 5 सालों में क्या प्लान कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, और जो यहाँ पर और भी जो बड़ी छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको लेकर के आप क्या करने की तैयारी में हैं? देखिए ऐसा है, हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप जीत जाएं, जीत करके लोगों की सेवा करें, लेकिन तैयारी क्या है आपकी, खासकर युवाओं के लिए? देखिए ऐसा है कि ये जो क्षेत्र मेरा है, मैं कभी भी अपने आप को बहुत राष्ट्रीय नेता या मुंबई का नेता बन के कभी काम नहीं किया। मैं कांग्रेस का एक सिपाही, कांग्रेस का एक वर्कर, और उसी कार्यकर्ता की तरह ही काम करता हूँ। मेरा जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी समस्या, अगर आप गली कूचे में आप जाएंगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि ये मुंबई शहर में रहते हैं लोग, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है। लोग उत्तर प्रदेश या बिहार या कोंकण के गाँव से या मालवण के गाँव से, वो लोग एक सपना लेकर यहाँ पर आए, वो सपना उनका साकार कैसे होगा, उस सपने को किस प्रकार से वो आगे ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर झुग्गियों में रहकर वो 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बड़ी ही दुखद परिस्थिति में वो रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आपने कहीं भी स्टिंग किया होगा, अच्छी बात है, आप एक बार इस क्षेत्र में अपने लोगों को डालिए और देखिए यहाँ का वातावरण कितना, बेचारे किस प्रकार से लोग रह रहे हैं 8x10 के कमरे में, और ये उनको बुनियादी सुविधा देते देते ही 5 साल पूरा चला गया। यहाँ पर इतनी समस्या है, जैसे कुरार में आप अंदर चले जाएं तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। अब मेरे सामने बहुत सारे बात सवाल ही आए, मैं कहा पहले बुनियादी सुविधा देवे, फिर ये मोटर कार और टैक्सी रिक्शे वालों को हम वो करें। मेरा आगे का जो प्लान है, यूथ पे भी मैं बात करूँगा। कुरार की जो ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, घंटों यहाँ पर 1.5 घंटा जाम लगा रहता है। अब आप कम से कम 5,000 से 7,000 8,000 लोगों को आप शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको उनके डीपी बाइंडिंग करनी पड़ेगी, उसको चौड़ा करना पड़ेगा रास्ता, तो उसके लिए 4,000-5,000 लोग बाधित होंगे, प्रकल्प बाधित। इन प्रकल्प बाधित को निकालने के लिए, उनको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए पीएपी की आवश्यकता होती है, और वो पीएपी की आवश्यकता लोग चाहते हैं कि किलोमीटर 2 किलोमीटर में ही हम रहे, इसलिए क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो नौकरी पर जाते हैं, एक 20 साल 25 साल से एक उनका सदा हुआ वातावरण बना रहता है, उनके दोस्त यार पड़ोसी सब रहते हैं, तो सब चाहते हैं कि हमें नज़दीक ही परिसर में मिले। उतनी पीएपी की व्यवस्था करें, होगी मेरे हिसाब से 1,000 पीएपी के ऊपर हमारे यहाँ अप्पापाड़ा में, और यहाँ पर एक पोपट कंपाउंड करके वहाँ पर बने हुए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चुन कर आऊँ तो सबसे पहले यहाँ की जो कुरार से ये डीपी की जो रोड बाइंडिंग की समस्या है, वो सबसे पहले उसे ठीक करने का काम करो। रही युवाओं की बात, देखिए सब में पहले इन युवा लोगों को, उनकी सबसे बड़ी भविष्य की चिंता होती कि नौकरी की चिंता होती। हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा मेलावा लगाया था, जहाँ पे कम से कम 2,500 से 3,000 युवा युवतियों को नौकरी मिली, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाकर, उस प्रकार से हम उनको रोज़गार दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा युवाओं को मैं चाहूँगा कि इस देश का इतिहास पता लगे, इस देश को किस प्रकार से अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने का काम वो झांसी वाली रानी थी या मंगल पांडे थे या महात्मा गांधी थे, किस प्रकार से उन्होंने मुक्ति दिलाई, वो इतिहास भी उनको जानने की आवश्यकता है। तो युवाओं के लिए जो भी हो सकता हो करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये मेरे सामने आई है यहाँ पर मैं चुनकर आने के बाद, क्योंकि इस क्षेत्र से मैं रहा नहीं, मैं कुरला से 3 बार नगर सेवक था, मुझे 20 दिन में ही कुरार शिफ्ट किया गया, और यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया और मुझे चुन कर दिया, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता था कि इनकी सेवा करूँ, और मैंने किया है। कोई कुछ कहे, कहना आखिर कोई कुछ तो कहेगा ही, कहेगा नहीं तो फिर आप कैसे कहोगे, तो कोई कहता है उसकी परवाह नहीं करता,
मुझे विश्वास है कि मैं जीत कराऊंगा और जो मेरे दिल और दिमाग में यहाँ की जनता की सेवा जो करनी है जिस प्रकार से वो करने का। लोगों के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, एकदम एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है जो एकदम बहुत सही कहा आपने। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये पूरा स्लम है, यहाँ पर आरजी का, पीजी का, शमशान का या कब्रस्तान का या हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का रिजर्वेशन से, कॉलेज के रिजर्वेशन से, उसके ऊपर सारे स्लम बैठे हुए। अगर ये सारे की योजना के अंतर्गत, मैंने मुख्यमंत्री जी से एक पत्र लिखा था अशोक चौहान जी से कि ये 3K करिए आप, ये आप किसी भी टेंडर निकाल कर किसी भी डेवलपर को लगाकर पूरे क्षेत्र का विकास करवाइए, जिससे DP भी खुल जा रहा है, PAP में शिफ्ट होने की किसी को आवश्यकता नहीं, जिसमें RG खुल जा रहा है, PG खुल जा रहा है, सारे रिजर्वेशन खुल जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर अस्पताल नहीं है, एक अस्पताल का रिजर्वेशन नागरिक निवारा में है, लेकिन मैंने शासन को बार बार वो पत्र लिखा है कि आप हॉस्पिटल यहाँ बनाइए। वो जगह कुछ जो ईस्टर्न या वेस्टर्न में, एक ईस्टर्न में, वेस्टर्न में शासन ने ये कहा था कि हम बड़ा अस्पताल बनाएंगे, उतनी जगह नहीं निकल के आ पा रही कि जितना शासन बनाना चाहती थी। तो ये निश्चित तौर से हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक, मैं तो कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन अस्पताल का नहीं है, और है भी जो भी होगा नर्सिंग होम वगैरह का, जो प्रसूति गृह वगैरह बोले जाते हैं महानगर पालिका से, वो सारे के सारे स्लम के नीचे दबे पड़े। सिर्फ पत्रों तक ही सीमित रहना ठीक नहीं है ना? नहीं, नहीं, इसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं कुछ आराम मिले। आज अगर छोटी से छोटी घटना भी यहाँ होती है तो पहले तो भगवती था, अब शताब्दी हो गया है, शताब्दी तक जाना पड़ता है, इसमें कई ऐसे हादसे हो जाते हैं जो बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, ऐसे कई हादसे पहले हो चुके हैं यहाँ पे। एक बात मैं आपको बताऊं, अस्पताल पत्रों तक की सीमित की बात, उसको आपकी बात सही है, पत्रकार के नाते आपको ये पूछना आपकी जवाबदारी बनती है। यहाँ पर जब हम टॉयलेट बनाने जाते हैं ना, 10 टॉयलेट बने हुए हैं, उसके बगल में ही घर लगा हुआ है, यहाँ भी घर लगा हुआ है, हम चाहते कि उसको 11 बनाएं। हमारी पॉलिसी ऐसी मुंबई महानगर पालिका की कि आप ये 10 घर खाली कर दीजिए, आपको PAP में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर टॉयलेट बना दें, कोई जाने को तैयार, जहाँ पर जगह ही नहीं बची है। मैं टॉयलेट का इसलिए कहा कि जहाँ पर जगह ही नहीं है, जहाँ पर प्लॉट ही नहीं है, जहाँ पर शुरुआत जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो रिजर्वेशन ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? शासन की जगह जो नागरिक निवारा संस्था को दे दी गई, उसमें मैंने डिमांड किया कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाइए, जो हॉस्पिटल के रिजर्वेशन है, जिस प्लॉट को नागरिक निवारा समिति टेंडर निकाली बेचने के लिए, उसे रुकवाने का काम किया। आप यहाँ के कलेक्टर से बात कर सकते कि भाई ये शासन की जगह थी, नागरिक निवारण समिति को दिया गया था कि यहाँ पर आप अस्पताल बनाइए, ये किसी को बेचेंगे तो कितना महंगा, अगर कोई बड़ी कारपोरेट कंपनी आकर हॉस्पिटल यहाँ पर खोलती है तो कितना महंगा इलाज होगा। शासन बनाए इसे और शासन ये जमीन वापस ले, वो जो पत्र का है, क्योंकि शासन अब उनसे जमीन वापस ले रही है, वो जो बेचने जा रहे थे उसे हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है थोराज जी ने स्टे दिया है, तो ये प्रोसीजर तो इतना चलेगा ही, जब किसी को जमीन दे दी गई है तो इसलिए आप पेपर वर्क कह रहे हैं, और ये पेपर वर्क नहीं है, ये जो वो बेचने जा रहे थे उसे रोकने का पहले काम किया गया, और शासन वो जमीन वापस ले और यहाँ पर शासन अस्पताल बनाए। मतलब रिजर्व प्लॉट को शासन ने दूसरे को दे दिया? ऐसा नहीं है। नागरिक निवारा वहां पे एक रिजर्व प्लॉट था जो कि हॉस्पिटल के लिए था? ना ना ना, ऐसा नहीं। मीराड गोरे जी बहुत बड़ी नेता थी, लाल गोरे जी, हाँ, वसंत दादा पाटिल जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छोटे घर बनाने के लिए उनसे कई एकड़, मुझे लगता 56-58 एकड़ जमीन उनको दे दी गई थी, और उन्होंने छोटे छोटे घर वहां बनवाए, और एक प्लॉट को उन्होंने हॉस्पिटल के लिए भी रिजर्वेशन कर रिजर्वेशन दिया गया था प्लॉट को वहां पर जी, लेकिन वो जमीन किसी और को अलॉट कर दी गई, वो जमीन नागरिक, ना ना ना, आप समझने की कोशिश करिए कि शासन ने जो जमीन दी है, मीराड गोरे जी ने उसमें हॉस्पिटल का रिजर्वेशन कराया, उनकी डेथ हो गई, नागरिक निवारा समिति उसको बेचने निकली, उसको शासन से रुकवाने का काम किया गया, ये बात है। शासन ने कोई रिजर्वेशन की जमीन अस्पताल की नहीं किसी को, ये आप ही बोल रहे हैं कि बेचने के लिए निकाला गया। आप मेरी बात को फिर से समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। 56-58 एकड़ जमीन मीराड गोरे को दी गई थी छोटे छोटे घर बनाने के लिए, समझ गया। उसमें मार्केट का रिजर्वेशन मीराड गोरे जी ने निकाला, उसमें हॉस्पिटल का रिजर्वेशन मीराड गोरे जी ने निकाला,
नागरिक निवारण समिति को उन्होंने सुपुर्द किया, नागरिक निवारण समिति उसे बेचने निकली, उसे गवर्नमेंट ने स्टे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपके क्षेत्र में जो इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं, खास करके लोगों के सेहत से जुड़े हुए अस्पताल को लेकर जो समस्या है, निश्चित तौर से इसका आप समाधान करेंगे। निश्चित तौर से। चलिए सिंह साहब, आपने हमारे चैनल से बातें की, जो कमिटमेंट्स दिए हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि चलते चलते आप अपने वोटर्स से, जो मतदाता हैं आपके, उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से जो कहना चाहते हैं आप। नहीं, मैं तो स्ट्रेट आदमी हूँ, स्ट्रेट कहना चाहूँगा। मैं अपने मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि अगर मैंने 5 साल तक आपकी सेवा की है तो मुझे आपका चुन के दीजिएगा। मुझसे अच्छा कोई अगर दिखाई पड़ता है तो निश्चित अच्छा काम करने वाला, उसको आप चुन कर दीजिए। आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे श्रीमान राजन सिंह साहब, जो मलाड पूर्व के कांग्रेस के विधायक हैं। इनसे हमने कई बातें की, उम्मीद करते हैं आपको एक कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, और अगर इन्होंने वाकई में जनता की नज़रों में कुछ किया है तो दोबारा चुन करके भी आएंगे। आप अपनी राय हमें हमारे इन नंबरों पर और ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।